Dear student, now after deficient demand and excess demand, this is your new topic, how to control deficient demand and excess demand. यानी कि जब मंदी आ जाती है या जब इकोनॉमी में महंगाई आ जाती है, जिसे हम डिप्रेशन और इन्फ्लेशन कहते हैं. मंदी को डिप्रेशनरी गैप कहते हैं और महंगाई को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं. और शुद्ध हिंदी में लिखा जाए तो असफेतिक यानी कि मंदी और सफेतिक अंतराल यानी कि महंगाई इन्फ्लेशन. तो इनको दूर कैसे किया जा सकता है, कुछ उपाय तो होंगे. हाँ, आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से मेजर्स हैं टू करेक्ट डिफिसिट एंड एक्सेस डिमांड. डिफिसिट यानी डिफ्लेशनरी गैप एंड एक्सेस डिमांड मींस इन्फ्लेशनरी गैप. ये हम पीछे भी दो तीन बार रिपीट करते जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we can see fiscal policy. Fiscal policy adopted by government. इसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं, जो सरकार के द्वारा अपनाया जाता है और सरकार इसको implement करती है. First, budget policy of government. It is related to the government revenue and government expenditure in a accounting year. यानी एक लेखा वर्ष में सरकार का जो आय और व्यय, यानी कि जो सरकार की आमदनी है, जो सरकार के खर्चे हैं, यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, उसका जो लेखा जोखा होता है बजट पॉलिसी में, उसी को हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं. और ये क्यों करती है गवर्नमेंट, बजट क्यों बनाती है? वन रीजन, टू मेंटेन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी. देश में विकास की दर को बनाए रखना, उसको और आगे बढ़ाना और देश के अंदर स्थिरता लाना, ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना. तो ये ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ये गवर्नमेंट का मेन गोल होता है, उद्देश्य होता है कि ये जो है होना चाहिए, देश का विकास भी हो, देश में स्थिरता भी हो और देश में कभी भी डिक्रीज ना हो. जीडीपी ग्रोथ रेट हमेशा इंक्रीज करता है, उसमें स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, उसका ग्रोथ हो जाता है. अब मान लीजिए कि यहाँ पर जितने टॉपिक हमने बता रहे हैं, ये आपकी जो है फिजिकल पॉलिसी है और ये आपकी 8 पॉइंट मॉनेटरी पॉलिसी है. हम आपको जो है यहाँ पे डिफिसिट डिमांड यानी कि डिफ्लेशनरी गैप, जिसे हम मंदी कहते हैं, देश के पास इकोनॉमी के अंदर जो है पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, बेरोजगारी है, आमदनी नहीं है, प्रोडक्ट होते हुए भी लोग खरीद नहीं रहे हैं, प्रोडक्ट का रेट बहुत ज्यादा घट गया, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया, तो किस तरह से इकोनॉमी में पैसे का सर्कुलेशन को बढ़ाया जाए, किस तरह से इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाया जाए, किस तरह से इकोनॉमी के अंदर जो है लोगों की परचेजिंग पावर क्रय क्षमता को बढ़ाया जाए, इन सब के ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं. पहले फिस्कल पॉलिसी यानी सरकार के द्वारा जो राजकोषीय उपाय अपनाए गए हैं, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का एपेक्स बैंक है. फर्स्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे कि रोड बनाना, डैम बनाना, ब्रिज बनाना, रेलवे लाइन बनाना, गवर्नमेंट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये तमाम चीजें जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगी. तो सरकार क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन को बढ़ा देगी, बहुत तेजी से रोड बनाना चालू कर देगी, ताकि देश के अंदर इंप्लॉयमेंट लेवल क्रिएट हो, देश के अंदर लोगों की इनकम जनरेट हो, लोगों को जो है आय स्तर उसका बढ़े, तभी तो वो डिमांड करेंगे, तभी तो गिरती हुई कीमत वस्तु की बढ़ने से होगी, जब लोग डिमांड करेंगे. लोग डिमांड तभी करेंगे जब उनके पास पैसा होगा. तो वही चीज है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी, ठीक है, ताकि इंप्लॉयमेंट लेवल को बढ़ा सके वो देश में, और लोगों के जो जीवन स्तर उसको सुधार सके, उनकी सैलरी, उनकी वेजेस को इंक्रीज कर सके. दूसरा, टैक्सेस. टैक्सेस में इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मीन्स आय का डिक्रीज. डिक्रीज मीन्स होता है यहाँ पे कम करना, यानी कि सरकार क्या करेगी, इनकम टैक्स को डिक्रीज कर देगी. डिक्रीज करेगी यानी कि जब वो इनकम टैक्स डिक्रीज करने से 4% से मान लीजिए इनकम टैक्स जो है गवर्नमेंट ने जो है 2% कर दिया, यानी कि 2% का मुझे बेनिफिट हुआ, मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ जाएगी, मेरे पास कैश मनी घर पे ज्यादा रहेगा, तो मैं डिमांड क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा, और डिमांड ज्यादा करूंगा क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर ज्यादा है. ऐसे में जो गिरती हुई कीमत है, ज्यादा डिमांड करने से जो गिरती हुई कीमत है वस्तुओं की, वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी और जो मंदी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. तो ये आपका जो टैक्सेस से रिलेटेड था. नेक्स्ट जो है आपका पब्लिक बोरिंग. पब्लिक बोरिंग यानी कि सरकार जो है जो पब्लिक से उधार लेती है, तो वो उधार जो है लेना कम कर देगी, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक के पास पैसा नहीं है. कुछ तरह के जो है ऐसे उपाय करेगी जिससे वो अपने से ही काम चला लेगा, पब्लिक से बोरो नहीं करेगी, तो ऐसे वो पब्लिक बोरिंग को रिड्यूस करेगी.
रिड्यूस करने का मतलब ये हुआ कि जनता के पास पैसे उन्हीं के पास जाएंगे, सरकार को देने की जरूरत नहीं, और ऐसे में जनता की जो पब्लिक है उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी। नेक्स्ट आपका जो है वॉल्यूम फ्रॉम आरबीआई, गवर्नमेंट भी कभी कभी अपने बजट को फुलफिल करने के लिए कंप्लीट करने के लिए कभी कभी वो घाटे का बजट बनाती है, कभी कभी गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है रेवेन्यू कम होती है, तो वो आरबीआई से कुछ रुपया उधार लेती है, ठीक है कुछ करोड़ रुपया जो भी हो, तो जब डिफ्लेशन आएगा तो वह क्या करेगी, मंदी आएगा तो वह ज्यादा रुपया आरबीआई से लेगी, इंक्रीज कर देगी, कब मंदी के टाइम डिफ्लेशन के टाइम जब डिफिसिट डिमांड हो, क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा पैसा लेकर और फिर उसका खर्चा करेगी विभिन्न क्षेत्रों में ताकि देश के अंदर रोजगार बढ़ा सके और लोगों को अधिक से अधिक उनकी इनकम को बढ़ा सके। तो ये थे तमाम उपाय जो फिस्कल पॉलिसी के। नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं ये आपका है कौन सा, मॉनेटरी पॉलिसी जिसे आरबीआई इंप्लीमेंट करती है, पहला बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है ये पिछले चैप्टर में भी हम आपको बताया था, पर रिपीट करना है, बैंक रेट मींस जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है, ठीक है, विदाउट मॉनेटरी इज नोन एज बैंक रेट। ओके नाउ बैंक रेट रिड्यूस ड्यूरिंग द डिफ्लेशन, बैंक रेट को रिड्यूस कर दी जाती है कि भाई अब हम 6% नहीं आपको 3% पे आपको लोन देंगे, तो आरबीआई जब अपना बैंक रेट कम कर देगी तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक है पीएनबी एसबीआई आंध्रा बैंक कैनरा बैंक सेंट्रल बैंक ठीक है सिंडिकेट बैंक ये सभी बैंक के बहुत ज्यादा लोन देंगे, क्योंकि आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो हम सस्ते ब्याज पे आपको लोन देंगे आइए लीजिए, तो ऐसे में जो है ज्यादा से ज्यादा पैसे लेके आएंगे कॉमर्शियल बैंक कहाँ से आरबीआई से, तो ऐसे में उनकी क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक की बढ़ने से जो है वो जनता के लिए बहुत कम ब्याज पर लोन देगी और जनता ज्यादा कब ज्यादा पैसे देगी लोन के रूप में, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया और ऐसे में जो है ज्यादा लोन लेने से डिमांड बढ़ जाएगी प्रतिदिन और बढ़ने के कारण और धीरे धीरे और जो कीमत कम थी वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि लोग डिमांड करते हैं। तो ये आपका बैंक रेट है। नेक्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट भी सेम बैंक रेट की तरह है, इसमें क्या होता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कम समय के लिए आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को लोन देती है तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं, ये हमेशा डिक्रीज इंक्रीज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ ए कंट्री, तो ड्यूरिंग द डिफ्लेशन बैंक रेपो रेट डिक्रीज कर दी जाती है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ऐसे में कॉमर्शियल बैंक जो है ज्यादा लोन लेगी आरबीआई से, कॉमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगी और क्रेडिट क्रिएशन बढ़ने से वो कम ब्याज पे जनता को लोन देगी और इससे जो है जनता ज्यादा लोन लेकर वह डिमांड ज्यादा करेगी वस्तुओं की और धीरे धीरे वस्तुओं का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट जिसको हम ट्रिपल आर कहते हैं ये भी रिड्यूस हो दिया जाएगा कब, डिफ्लेशन में। रिजर्व रेपो रेट किसे कहते हैं, जैसे कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया हम पब्लिक के पास ज्यादा होता है तो भाई 2000 रुपए बच गए लोग बैंक में डाल देते हैं, घर में रहेंगे तो खर्ची रहेगा, बैंक में रहेंगे तो एक तो सिक्योर रहेगा ऊपर से बैंक उस पर कुछ ना कुछ ब्याज देती रहेगी तो इससे हमारा पैसा बढ़ता रहेगा। सेम वही काम जो है कॉमर्शियल बैंक करती है, जब उसके पास एक्सेस मनी होती है तो वह अपना जो पैसा कुछ जो है लेकर डिमांड रख देता है आरबीआई के पास, आरबीआई उस पर जो इंटरेस्ट देता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को, तो उसे रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। और जब डिफ्लेशन आता है तो रिजर्व रेपो रेट को आरबीआई रिड्यूस कर देता है कि हम 7% नहीं तो हम आपको 4% ही यहाँ पे इस पर ब्याज देंगे, तो ऐसे में कॉमर्शियल बैंक जो है डिस्करेज हो जाती है, हतोत्साहित हो जाती है कि अरे 3% से 7% कर दिया, 6-4% कम कर दिया गया आरबीआई ने, अब हम नहीं रखेंगे उनके पास, ठीक है वो अपने पास ही रखेगा, आरबीआई के पास पैसा एक्सेस होगा भी तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास नहीं रहेगा और ऐसे में उसके पास क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ने की वजह से वो इंटरेस्ट रेट जो है पब्लिक के लिए कम कर देगा लोन लेने के लिए और पब्लिक ज्यादा लोन लेगी कम इंटरेस्ट पे तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ेगा तो जो कीमत कम थी वो धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज दैट ऑपरेशन इन विच आरबीआई सेल एंड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी जस्ट लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट बाय द आरबीआई, यानी कि सरकार का जो सिक्योरिटीज है जो बॉन्ड्स है वो आरबीआई परचेज और सेल करती है कहां पे, ओपन मार्केट, और इसको खरीदता कौन है, इसको खरीदने वाले होते हैं कॉमर्शियल बैंक और आम जनता। तो जब डिफ्लेशन आएगा जब मंदी आएगी तो क्या होगा, ये परचेज करेगी आरबीआई, क्या करेगी कि भाई गवर्नमेंट ने जितने भी शेयर्स थे बॉन्ड्स थे वो परचेज करना शुरू कर देगी, किससे,
ऑर्डिनरी इकोनॉमी में ऐसी कमी है, गलत है, तो ऐसे में इकोनॉमी में जब पैसे का सर्कुलेशन, मनी का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और बढ़ने से जो है देश में जो है जो डिफ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगा और जो गिरती हुई कीमतें थी वस्तु की वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सीआरआर। सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो मींस ईच कमर्शियल बैंक कंपल्सरी टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज डिपॉजिट इन द आरबीआई इज नोन एज सीआरआर, यानी कि कुछ सिक्योरिटी उनका पैसा जो आरबीआई डिटरमाइन करती है उसको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है, इसे हम सीआरआर कहते हैं। जब डिफ्लेशन आएगा तो सीआरआर जो है पहले मान लीजिए कि 9% था, 9% से कम होकर जो है क्या कर दिया 6% कर दिया कि अब हम आपको 3% और छूट देते हैं, अब आपको 9% नहीं 6% आपको सीआरआर में तो पैसा जमा करना है सिक्योरिटी के रूप में। तो ऐसे में कमर्शियल बैंक के पास पैसे पहले की तुलना में कम जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले 9% पैसा देता था अब वो 6% दे रहा है। तो कमर्शियल बैंक के पास सीआरआर जो है कम होने से उसके पास क्रेडिट रेशियो बढ़ जाएगा पैसे ज्यादा होने से, तो वो जनता के लिए कम ब्याज पे अधिक लोन देगा और जनता ज्यादा लोन लेकर डिमांड ज्यादा करेगी और जो गिरती हुई कीमतें हैं धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसे सीआरआर कहते हैं। नेक्स्ट जो है एसएलआर। एसएलआर क्या है कि हर एक कमर्शियल बैंक को अपने जो है टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन अमाउंट जो है फिक्स जो है अपने पास लॉकर में रखना पड़ता है, जिसको समय समय पर आरबीआई ऑडिट करती है, वो कंपल्सरी होता है, उसको ना ही गवर्नमेंट को देना पड़ता है ना ही किसी को देना पड़ता है ना पब्लिक को, वो अपने पास रखती है, जैसे एसएलआर स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। तो ये क्या होता है कि ये आपका जो है 9% मान लीजिए 7% का पहले 7% से कम होकर इसको 5% कर देती है कि अब आपको जो है कम पैसा रखना है, ज्यादा नहीं रखना है सिक्योरिटी के में, अपने पास किसी को देना नहीं है, ना ही देना आरबीआई को ना ही जनता को, बस अपने पास रखना है। तो ये एसएलआर जो है जो पैसा कमर्शियल बैंक पीएनबी एसबीआई अपने पास सिक्योरिटी के रूप में अपने पास ही रखती है रिजर्व, उसे एसएलआर कहते हैं, और ये डिफ्लेशन में रिड्यूस कर दी जाती है, जिससे कि जो है क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक का बढ़ जाएगा और वह कम ब्याज पे लो इंटरेस्ट रेट पे पब्लिक को ज्यादा लोन देगी, जिससे कि पब्लिक की परचेजिंग पावर और डिमांड बढ़ जाएगी और जो गिरती हुई कीमतें हैं वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है मार्जिन डिपार्टमेंट। मार्जिन डिपार्टमेंट का क्या है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आर द वैल्यू करंट वैल्यू ऑफ योर एसेट्स एज ए कोलैटरल डिपॉजिट इन द बैंक एंड हाउ मच लोन ग्रांटेड बाय द बैंक इज नोन एज मार्जिन डिपार्टमेंट। यानी कि मान लीजिए कि मैं अगर 1 करोड़ का नहीं 80 लाख का मैं लोन लेना चाहूँ पंजाब नेशनल बैंक से, तो मुझे 1 करोड़ का जो है एसेट्स अपने घर सोना चांदी जो भी है एसेट्स वहाँ पर डिपॉजिट करने पड़ेंगे और एज ए सिक्योरिटी। तो यानी कि 100 1 करोड़ में से 80 लाख निकल गए 20 लाख जो होता है वही कहलाएगा मार्जिन डिपार्टमेंट। एक करंट समय में मेरी जो है घर का या जमीन का जो वैल्यू है वो 1 करोड़ का है, अब मुझे 80 लाख का लोन चाहिए तो बैंक आसानी से दे देगा क्योंकि मार्जिन डिपार्टमेंट मैंने उसकी जमा कर दी है। अब क्या होता है कि जब डिफ्लेशन आता है तो ये रिड्यूस कर दी जाती है कि आपको 80 लाख का लोन लेने के लिए 1 करोड़ का एसेट्स नहीं रखना है, अब आपको 80 लाख का 80 लाख का लोन लेने के लिए 90 लाख का ही आपको एसेट्स रखना पड़ेगा, ठीक है कुछ कम कर दिया। ऐसे में जो है पब्लिक इंक्रीज हो जाएगी मतलब प्रोत्साहित हो जाएगी, अरे इसने तो सिक्योरिटी का जो डिपॉजिट था कॉलेटरल उसने उसका रेट क्या कर दिया कम कर दिया, तो ऐसे में जनता ज्यादा लोन लेगी कहाँ से बैंक से, और ऐसे में ज्यादा लोन लेगी तो ज्यादा लोन लेकर घर बनाएगी कार खरीदेगी ट्रैक्टर खरीदेगा किसान और इस तरह से उनका एक्सपेंडिचर बढ़ना शुरू हो जाएगा डिमांड ज्यादा करेंगे और जो गिरती हुई कीमतें थी वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसे मार्जिन डिपार्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट राशन। क्रेडिट राशन का मतलब है कि बिजनेस एक्सपेक्टेशन के लिए जो आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को ये आदेश देती है कि आप जो है जब मंदी आएगा तो लिबरल हो जाए, लिबरल माने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे, ठीक है, और जनता को ऑफर दे तमाम अट्रैक्टिव जो है ऑफर दे ताकि जनता अधिक से अधिक आपसे लोन ले, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मंदी है डिफ्लेशन है तो लिबरल हो जाती है उदार हो जाती है वो छूट देती है ऑफर देती है, इसी को कहते हैं आपका क्रेडिट राशन, ठीक है। कब ड्यूरिंग द डिफ्लेशन डिफ्लेशनरी गैप या डिफिसिट डिमांड लिबरल हो जाती है। अब हम ध्यान दीजिएगा जिस तरह से मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ जो जिस टिप्स को यूज कर रहा हूँ और जिस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ समझाने का उसी तरीके से आपको पढ़ना है तो आपको कम मेहनत में अधिक से अधिक चीजें इजीली समझ में आएंगी। अब बाय द वे अगर आपका ये तो था डिफ्लेशन का मंदी का, अगर इन्फ्लेशन आ जाए महंगाई आ जाए तब आप क्या करेंगे, तो देखिए हम कैसे चेंज करना है, आपको करना कुछ नहीं है,
जहां इंक्रीज था वहां क्या कर दीजिएगा डिक्रीज, और जहां डिक्रीज था वहां क्या कर दीजिएगा इंक्रीज, जहां रिड्यूस था उसको इंक्रीज कर दीजिएगा और जो इंक्रीज था उसको डिक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के उपाय हो गए। डेफिनेशन सेम है, एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाएगा। वर्डिंग देखो हमने कैसे चेंज किया, पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाया, बस वही बनाया कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर जैसे रोड बनाना डैम बनाना ये सब कर देगी, कम कर देगी, कब जब महंगाई आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो डिमांड कर रहे हैं, ज्यादा उनका डिमांड गवर्नमेंट भी करेगी तो क्या होगा रेट और बढ़ेगा, इसलिए अपने खर्चों को कटौती करती है गवर्नमेंट। इसी तरह टैक्सेस इनकम टैक्स सरकार बढ़ा देगी, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया है, महंगाई है, कैसे इनको कंट्रोल किया जाए, इनकम टैक्स बढ़ा दो 9% सीधा 15% कर दो 12% कर दो, ताकि इनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए और लोग कम डिमांड करें, ठीक है। और तीसरा है पब्लिक बॉर्गेनिंग, वो सरकार ज्यादा जनता से लोन देगी, ज्यादा चाहिए पैसे इंक्रीज कर देगी, ताकि खींच कर पैसा जनता से कहाँ चलता है सर गवर्नमेंट के पास, ताकि वो डिमांड जनता कम करे और जो बढ़ती हुई कीमतें वो धीरे धीरे घटना शुरू होता है। नेक्स्ट है बॉरिंग फ्रॉम आरबीआई, सरकार आरबीआई से ज्यादा पैसे लोन के रूप में लेगी, क्योंकि आरबीआई के पास ज्यादा पैसे लेगी तो पैसा खींच कर जो है आरबीआई से जो है गवर्नमेंट के पास आ जाएगा और ऐसे में जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है इन्फ्लेशन में। ये आता है फिस्कल पॉलिसी का नेक्स्ट, बैंक रेट, बैंक रेट जो है रिड्यूस, लेकिन सरकार फंड सरकार कर रहा है गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पर बैंक की बात कर रही है, आरबीआई, आरबीआई जो है बैंक रेट रिड्यूस कर देगी, ठीक है, कि लो हम आपको जो है बहुत 6% से घटाकर जो है बैंक रेट जो है कितना कर दिया 2% कर दिए, बहुत सस्ता कर दिया, ठीक है। तो बैंक रेट रिड्यूस हो जाएगी कब, इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन में, सॉरी इंक्रीज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम इस समय आपको इंक्रीज लिखना पड़ेगा, बैंक रेट इंक्रीज कर देगी 6% से बढ़ाकर सीधा 9% कर देगी, या अगर कौन से बैंक आपके पास लोन लेने आती है तो 6% अब 9% हम आपको जो है लोन देंगे, तो ऐसे जो है कॉमर्शियल बैंक जो है लोन कम लेगी, उसके पास क्रेडिट रेशन कम हो जाएगा, तो वो जनता के लिए जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी कि भाई मेरे पास पैसे नहीं तो मैं आपको कहाँ से दूँ लोन, और दूंगा तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा, तो जनता लोन नहीं देगी, इतने अधिक ब्याज में जब जनता कम लोन लेती है तो ऐसे में पब्लिक के पास परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो डिमांड कम करेगा, डिमांड कम करेगा तो जो बढ़ती हुई कीमतें धीरे धीरे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो ये आपका बैंक रेट है। नेक्स्ट आपका रेपो रेट, रेपो रेट से इसी तरह से है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है जो लोन देती है आरबीआई किसको कमर्शियल बैंक को, सिर्फ वही चीज है इंक्रीज कर देगी, जैसे कि जो है फेब्रिकेशन कमर्शियल बैंक कम हो जाएगा और वह जनता को कम अधिक ब्याज पर लोन देगी, जैसे कि उनकी परचेजिंग पावर कम और डिमांड कम, और डिमांड कम तो प्राइस गिर जाएगी। नेक्स्ट है रिजर्व रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट आप बता चुके हैं, जो एक्सेस पैसा होता है जो आरबीआई के पास जमा किया जाता है किसके द्वारा कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, तो वो इंक्रीज कर देंगे, भाई अब हम आपको 12% या 18% आपको ब्याज देंगे, तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि हमें जानती है कि किस तरह से पैसा खींचा जाए मार्केट से, इकोनॉमी से, कॉमर्शियल बैंक से, आम पब्लिक से, कहाँ आरबीआई के पास आ जाए, जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा देश के अंदर मनी की कमी होगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगा और बढ़ती हुई कीमतें कम हो जाएगी, बस कीमतों को कम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, तो रिजर्व रेपो रेट इंक्रीज कर देगा, इससे लालच में आकर जो कमर्शियल बैंक एक्सेस पैसे को ज्यादा से ज्यादा आरबीआई पर रखना शुरू कर देगी, जिससे कि जो है उसकी क्रेडिट रेशियो कमर्शियल बैंक की कम हो जाएगी, और कम होने से जो है वह हाई इंटरेस्ट पे जनता को लोन देगा, और जनता कम लोन लेगी तो वह डिमांड कम करेगी और प्राइस धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में पीछे टॉपिक में क्या था, परचेज करेगा, यहाँ पे करेगा सेल करेगा, बेचना शुरू कर देगा, अब बेचेगा तो उसके बदले ऐसा कमर्शियल बैंक से आम पब्लिक से कहाँ खींच के चला जाएगा आरबीआई के पास, ऐसे में सेम वही चीज आपको लिखना है, डिमांड कम प्राइस गिरना शुरू। नेक्स्ट सीआरआर, सीआरआर नहीं कैश रिजर्व रेशियो, जो सिगोटी ग्रुप में कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा करती थी, तो वो क्या कर देगी इंक्रीज, आईएनसी मीन्स इंक्रीज यानी कि बढ़ा देगी, ठीक है, अब हम आपको 5% की अब आपको 7% सीआरआर देना पड़ेगा,
जैसे कि कमर्शियल बैंक अधिक पैसा जमा करेंगे, किसके पास? हर बैंक के पास। जैसे कि कमर्शियल बैंक के पास पैसे की कमी जाएगी और वो ब्याज बढ़ा देगा और इससे जो है आम पब्लिक लोन कम लेगी, डिमांड कम होगा और प्राइस गिर जाएगी। से एसएलआर इसी तरह से है, एसएलआर जो पैसा अपने पास कमर्शियल बैंक रखती है वह एसएलआर कहलाता है। सिक्योरिटी के रूप में महंगाई के टाइम इन्फ्लेशन के टाइम इंक्रीज कर दिया जाता है, ऐसे में क्रेडिट रेशियो कमर्शियल बैंक का डिक्रीज होगा और डिक्रीज होने से जो है वह हाई इंटरेस्ट पे जनता को लोन देगा, जो जनता लोन लेगी नहीं इतनी अधिक इंटरेस्ट पे तो वह अपनी डिमांड कम करेगी, प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट ये इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब 80 लाख का लोन लेने के लिए आपको 1 करोड़ नहीं, अब आपको जो है कितना देना पड़ेगा पैसा, अब आपको जो है 1.5 करोड़ देना पड़ेगा, एसेट्स रखनी पड़ेगी। तो ऐसे में गवर्नमेंट सॉरी आरबीआई जो है ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया, आम पब्लिक जो है सोचे कि इतना ज्यादा पैसा तो है नहीं, इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, चलो लोन अभी ना लेते हैं, बहुत ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और क्रेडिट और प्राइसिंग का अंतर लेंगे पिछले टॉपिक में, लिबरल था, लिबरल का अपोजिट है रिस्ट्रिक्शन, यानी कि इन्फ्लेशन में रिस्ट्रिक्शन यानी पाबंदियां लगाई जाती है, हाई इंटरेस्ट लगाया जाता है पब्लिक के लिए ताकि लोन कम से कम हो ले, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में महंगाई है, इन्फ्लेशन है, और इस तरह से रिस्ट्रिक्शन करके बिजनेस एक्सपेक्टेशन के लिए जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।